गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 यूनिट 11 की करेंगे, क्लास 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसमें स्क्वायर की साइड दी हुई है 60 मीटर और रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो साइड है वो 80 मीटर है और दोनों का पैरीमीटर सेम है। और हमने बताना है कि कौन सी फिगर का एरिया ज़्यादा है। तो पहले हमें दोनों का पैरीमीटर सेम है तो स्क्वायर का पैरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। इज इक्वल टू 60 मीटर। तो पैरीमीटर निकालेंगे, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों का पैरीमीटर सेम है, पैरीमीटर रेक्टेंगल का और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पैरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्म होता है 2 × (l + b) और पैरीमीटर स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया 240 मीटर। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी हुई है और पुट करनी है प्लस बी इक्वल टू 240। 80 प्लस बी इक्वल टू, ये 2 से जाके डिवाइड कर देंगे, 240/2। तो ये हमारे पास 80 प्लस बी इक्वल टू 120 आ गया। यहाँ से बी फाइंड कर लेंगे, बी इज इक्वल टू 120 - 80। ब्रेथ हमारे पास रेक्टेंगल की 40 मीटर आ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों फिगर्स का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे साइड हमारे पास से स्क्वायर की 60 है, 60 × 60 = 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है l × b। लेंथ हमें दी 80 और ब्रेथ हमने फाइंड की है 40। 80 × 40 = 3200 मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन पूछा कि विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया। तो हमने दोनों फिगर्स का एरिया को माइनस करके बताना है कि किसका एरिया किसका ज़्यादा, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। अगर पूछा है हाउ मच, फिर दोनों को माइनस करना है, अदरवाइज यही छोड़ देना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास ये फिगर बनी हुई है बुक के अंदर, एक प्लॉट है स्क्वायर प्लॉट, उसके अंदर ये घर बना हुआ है। स्क्वायर प्लॉट का ये साइज है 25 × 25, सभी साइड 25 है और घर का जो साइज है उसकी लेंथ 20 है, ब्रेथ 15 है और जो बीच में मिडल में गार्डन बना हुआ है। हमने गार्डन का बनाने की कॉस्ट फाइंड करनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें 55 दी हुई है। तो पहले हमें दोनों का एरिया निकाल के माइनस करना है। तो पहले हमने स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालना है। तो पहले स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये प्लॉट है 25 मीटर, एरिया
स्केयर फील्ड साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये 25 × 25 625 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ हाउस, हाउस की लेंथ 20 मीटर है, ब्रेथ ऑफ हाउस हमारे पास 15 मीटर ही है। अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ हाउस साइड लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 20 × 15 300 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन दोनों को एरिया को माइनस करेंगे, प्लॉट के एरिया में से हाउस का एरिया माइनस कर देंगे। जैसे फिगर बनी है, अंदर घर है, बाहर स्क्वायर प्लॉट है, तो उसमें से घर का एरिया माइनस कर देंगे, ये गार्डन एरिया है। तो 625 माइनस 300, तो 325 मीटर स्क्वायर ये हाउस का एरिया आ गया, सॉरी गार्डन का एरिया आ गया। अब गार्डन का एरिया हमने निकाल लिया, और गार्डन को डेवलप करने की कॉस्ट जो है 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डेवलपिंग गार्डन ₹55, कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर डेवलपिंग गार्डन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹55 × 325, और हमारे पास कॉस्ट रुपीज़ में आ जाएगी, तो ये हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी 17,875। फिर दोबारा देखेंगे, स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, प्लॉट है, इसका साइज 25 मीटर है, इसका एरिया निकालेंगे साइड इनटू साइड, फिर जो बीच में घर बना हुआ है इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है 20 और 15, उसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करके गार्डन का एरिया निकालेंगे। उसके बाद कॉस्ट निकालिए, 1 मीटर स्क्वायर डेवलपिंग गार्डन कॉस्ट है 55 रुपीज़, और 325 मीटर स्क्वायर गार्डन की कॉस्ट डेवलप करने की 17,875 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक ये गार्डन बना हुआ है, और बीच में मिडल में एक रेक्टेंगल है, गार्डन की टोटल लेंथ जो है 20 मीटर है, और ये जो है सेमी सर्कल बने हुए हैं एंड पे, तो यहाँ पे इसका डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ भी है, और हमने फाइंड करना है पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ गार्डन। तो गार्डन का पैरीमीटर निकालने के लिए पूरी बाउंड्री निकालनी है, आउटर बाउंड्री, और एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो बाउंड्री निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल की दोनों लेंथ चाहिए होंगी, और सेमी सर्कल के दोनों आउटर बाउंड्री चाहिए होंगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। उसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे कि ये डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो उसका रेडियस 3.5 मीटर बन जाएगा, इधर भी 3.5 बनेगा, दोनों डायमीटर 7 मीटर है। तो ये फिगर के अंदर मेंशन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 7 मीटर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 7.2 मीटर, जिसको 3.5 मीटर लिख सकते हैं। अब लेंथ और रेक्टेंगल निकालेंगे। अब कैसे फाइंड आउट कर लीजिए, टोटल 20 है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड वाली बाउंड्री तक सेमी सर्कल के, और दोनों तरफ हमने रेक्टेंगल को
ये देखेंगे कि सेमी सर्कल एक्सटेंड किए हुए, तो ये दोनों माइनस कर दें 3.5 और 3.5, तो सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। तो 20 में से हमने माइनस करना है 3.5 लेफ्ट से और 3.5 राइट से, तो 20 माइनस 7 13 मीटर हमारे पास लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल की। अब हमने सबसे पहले पैरीमीटर निकालना है गार्डन का, पैरीमीटर ऑफ गार्डन। अब गार्डन का पैरीमीटर निकालना है, उसमें बाउंड्री दो लेंथ आएंगी रेक्टेंगल की, 2 × लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दोनों बाउंड्री ये वाली रेक्टेंगल की, और दो बाउंड्री हमारे पास सेमी सर्कल की आएंगी, उसमें लिखेंगे 2 × सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 2 × लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, प्लस 2 × सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो 2 लगाया, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर। अब वैल्यू पुट करेंगे 2 × 13 मीटर प्लस 2 × 22.7 इंटू रेडियस, उसको हम 7/2 भी ले सकते हैं 3.5 को। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, अब यहाँ से निकाल लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 26 प्लस 22 48 मीटर इसका पैरीमीटर आ जाएगा गार्डन का, हमने बाउंड्री निकाल ली। अब हमने एरिया निकालना, बीच वाला एरिया, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन के अंदर एक तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा और 2 सेमी सर्कल का एरिया आएगा, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल L1 भी होगा प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 एंड सेमी सर्कल तो 2 लगा लिए, और सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 से 2 यहीं कट कर देंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा L × b प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ हमारे पास रेक्टेंगल की कितनी है हमने निकाली, 13 मीटर, तो यहाँ पे लेंथ पुट करेंगे, और ब्रेथ है हमारे पास 7 मीटर, तो ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस 22/7, और रेडियस हमने 7/2 पुट लगा दें, 3.5 भी ले सकते हैं, तो ये 91 आ गया। अब यहाँ पे 7 से 7 कट करेंगे, 2 से 22 को कट कर देंगे, और ये हमारे पास 77/2 आ जाएगा, और 91 प्लस 77 का हाफ। अब 77 का हाफ कितना होगा, 76 का कितना होगा, 38, तो ये 38.5 बन जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 129.5 मीटर स्क्वायर ये गार्डन का एरिया आ जाएगा। पहले हमने पैरीमीटर निकाला, ये पैरीमीटर गार्डन निकाला हमने, उसके बाद हमने एरिया गार्डन निकाला है, दोनों फॉर्मूले लगा दिए हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल उधर 2 मल्टीपल लेंथ, आउटर बाउंड्री निकालनी थी प्लस रेक्टेंगल की जो दोनों सेमी सर्कल साइड पे बने हुए, प्लस 2 मल्टीपल सर्कल फॉर उधर सेमी सर्कल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझ के करना है, और वीडियो देखोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।